दांत का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे हो या फिर बड़े। अगर दांत में दर्द होता है तो बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है, बहुत ही तकलीफ़ देता है। तो आज मैं आपके साथ जो घरेलू रेमेडी शेयर कर रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में आपके दांत में दर्द होता है, चाहे कीड़ा लगने से, चाहे खाना फंसने की वजह से, इन्फेक्शन से, या किसी और कारण से भी, या अगर आपके मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों में तेज़ दर्द रहता है, तो आपके दांत का दर्द ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस रेमेडी को बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक ग्लास पानी डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे एक चम्मच भर के अजवाइन। अगर छोटे चम्मच हैं तो डेढ़ चम्मच डाल दें, नहीं तो आप एक टीस्पून भर के अजवाइन डाल दें। अजवाइन जो होती है बहुत ही गुणकारी होती है, ये तेज़ होने वाले दांतों के दर्द को भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। साथ ही हमें लेना है इसके सेंधा नमक, रेगुलर जो नमक यूज़ करते हैं वो ना लें। तो आपको यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक का डाल देना है, यानी जिसे हम लाहौरी नमक या फिर व्रत वाला नमक भी बोलते हैं, वो डालने के बाद अच्छे से आपको उबालना है। आपको इतना उबालना है कि ये जो एक गिलास पानी हमने लिया है ये आधा रह जाए। तो इसे उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, गैस को ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा करके मैंने छान लिया है। अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है ये जान लें। जब भी आपके दांतों में तेज़ दर्द हो, चाहे कीड़ा लगने से या खाना फंसने से, इन्फेक्शन से या पायरिया से, किसी भी परेशानी में, किसी हाल में भी आपके दांतों में हमेशा दर्द रहता है, तो इस तरीके से अजवाइन वाले पानी को बनाकर आपको इसे मुंह में भर के, अपने मुंह में घुमा के आपको फिर थूक देना है, यानी आपको इसका कुल्ला करना है। इसको पानी को पीना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा उपाय दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो आपके दांतों में होने वाला तेज़ दर्द ख़त्म हो जाएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही आपके मसूड़े फूलने की प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही जब आप ये पानी उबालें तो थोड़ा सा पानी आप किसी बोल में बचा लें, फिर आप उसमें कॉटन ले लें और उसे डिप करके फिर जहाँ पर भी आपके दांतों में दर्द होता है उस फाये को आप दांतों के आसपास मसूड़ों में जहाँ दर्द होता है वहाँ कुछ देर के लिए रखें। इस उपाय को भी करना है साथ ही आपको, इस पानी से कुल्ले भी करने हैं दिन में 3 से 4 बार। किसी भी तरीके का दांतों का दर्द है एकदम से ठीक हो जाएगा, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और ये जो हमने अजवाइन इस डालकर इसका पानी बनाया है बहुत ही गुणकारी होती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।